हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवान सर, आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो यहाँ पे ये स्कॉर्पियो S11 गाड़ी है और इसमें देख सकते हैं स्टेयरिंग स्विच जो हमारा वर्क नहीं कर रहा है कोई भी, और यहाँ से हमारा साउंड अपना धीमा तेज हो रहा है। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसमें तीन प्रॉब्लम हो सकती है। पहला बात तो ये स्विच में दिक्कत हो, दूसरा कॉन्टेक्ट कॉइल में दिक्कत हो, और तीसरा क्या है कि इसके अंदर एक कनेक्टर रहता है इसका, अगर वो कनेक्टर नहीं लगा रहेगा तो भी दिक्कत आएगी, और चौथा ये रहता है कि इसकी जो सेटिंग्स होती है अगर सेटिंग नहीं रहेगी तो भी ये दिक्कत आएगी। तो ये गाड़ी वैसे 2200 किलोमीटर चली हुई है तो ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है, ये सेटिंग्स नहीं रहती है तो उस कारण से ये दिक्कत आती है, या फिर अंदर जब कैमरा वैमरा लगता है तो उस समय में अगर कनेक्टर निकालते हैं तो कनेक्टर लगाना अगर भूल जाते हैं तो उस कारण से दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम इसमें सेटिंग करके देख लेते हैं कि सेटिंग के बाद ये काम करता है कि नहीं। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये होम स्क्रीन में आना है, यहाँ पे ऐप पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कोई सिलेक्ट होता तो यहाँ पे ये डॉट बन के आता है पर्टिकुलर उस पॉइंट पे। तो जैसे हमें प्लस में करना है तो इस करते हैं हम स्टार्ट, और उसके बाद यहाँ पे प्लस पे एक बटन करेंगे प्रेस, वहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम प्रेस करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉट सी लाइन टिक हो के आ गया है। आप नेगेट वॉल्यूम लो करने के लिए करना है, यहाँ पे मैं करूँगा आप देखेंगे वहाँ पे साइन बन के आ गया। म्यूट के लिए यहाँ पे म्यूट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके लिए सॉरी फ़ोन कॉल आंसर के लिए ये, और फ़ोन कॉल रिजेक्शन के लिए ये, और सोर्स के लिए होम पे जाने के लिए ये वाला कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है सेट। अब हम आते हैं होम स्क्रीन पे, और ये FM लगा दिया हमने, और अब इसका वॉल्यूम धीमा तेज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बटन काम कर रहा है अपना। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।